आज 29th में पिछले 24 घंटों में गजपति, गंजाम, नयागढ़, रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट अंदर में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश जो रिपोर्ट हुआ है महेंद्रगढ़ 20.4 मिलीमीटर, नयागढ़ में 18.3 मिलीमीटर। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में राइज किया है, तो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ भवानीपटना 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 से ज्यादा था सोनपुर 40.2.0, मालकानगिरी 40.5, टिटलागढ़ पाटलेखा मंडी 40.0। मोस्टली साउथ इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्वाभाविक का आसपास ही है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से कम था। भुवनेश्वर स्वाभाविक से थोड़ा कम भी है, भुवनेश्वर सिटी में 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अभी अगला 5 दिन के लिए हमारा जो फोरकास्ट रहेगा, अभी अगला 3 दिन 29, 30, 31 ये 3 दिन ही हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ, लाइटनिंग का साथ एक दो जगह करके होगा, आइसोलेटेड वे में ही होगा। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है, एरिया वाइज और इंटेंसिटी वाइज। एरिया वाइज भी थोड़ा ज्यादा एरिया में होने का चांसेस है कंपेरेटिवली, और एक्टिविटी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। अभी जैसा अगला 24 आवर्स में हमारा मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, बौद्ध, गजपति, गंजाम, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, मयूरभंज, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का ज्यादा चांसेस है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ड्राई होने का ही चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग भी है मेनली कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, गजपति, गंजाम, नयागढ़, खुर्दा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। और फिर कल भी हमारा इसी तरह से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी एक तो जगह करके रहेगा। नॉर्थ इंटीरियर का केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, सुंदरगढ़, जाजपुर सब डिस्ट्रिक्ट में गास्टी सरफेस विंड भी हो सकता है 30-40। फिर 31st को भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी इसी हिसाब से रहेगा। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड जून, फर्स्ट जून में इंटीरियर उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में, कोस्टल में एक दो जगह में, और सेकेंड जून में सभी जगह में, सभी एरिया में फ्यू प्लेसेस में होने का चांसेस है। फर्स्ट जून में थोड़ा एक दो जगह में हैवी रेन भी हो सकता है कालाहांडी, नवरंगपुर, बोलांगीर मेनली साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 2-3 दिन में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेनी प्लेसेस में राइज करने का चांसेस है, तो जो एरिया में अभी हमारा बिलो नॉर्मल है वो स्वाभाविक का आसपास आएगा, और सब कुछ जगह में थोड़ा सा 1-2 डिग्री स्वाभाविक से ज्यादा भी हो सकता है, उसके बाद ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। हालांकि तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ साथ एक दो उस समय थोड़ा सा कुछ कुछ एरिया में कम भी हो सकता है। और अभी मॉनसून का जो स्थिति है, मॉनसून साउथ ईस्ट मॉनसून हमारा फोरकास्ट जो है 31st मई का अराउंड केरला के पहुंचने का चांसेस है, 31st का आसपास में केरला में पहुंचने का चांसेस है। अभी केरला का पहुंचने का बाद ही हमारा उड़ीसा व और इंडिया का और पोर्शन में आने का फोरकास्ट हम लोग देते हैं। और अभी क्लाइमेटोलॉजिकली व एवरेज वाइज पिछले सालों में जो हुआ है इसमें एवरेज का जो है एवरेज देखा जाए तो हमारा केरला में होने का बाद आफ्टर 7-10 डेज का बाद उड़ीसा में ऑनसेट का मोस्टली मोस्ट ऑफ द ईयर में होता है, बट कुछ कुछ ईयर में हार्डली एडवांस होने से तो 3-4-5 दिन का अंदर में भी आ सकता है, और डिले होने से 15-20 डेज भी डिले होता है। ये हमारा ये है, बट इस साल का क्या होगा फोरकास्ट उसका बाद केरला का होने का बाद ही किया जाएगा। और अभी भुवनेश्वर सिटी में आज हमारा टेम्परेचर 35.2 था, मैक्सिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर सिटी में अभी 1-2 डिग्री इंक्रीज करेगा, 37 का आसपास आज हो सकता है। और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहने के वजह से डिस्कम्फर्ट टाइप वेदर रहेगा, थंडर एक्टिविटी के साथ बारिश होने का चांसेस है। ओके।